नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। कासी मीरा मासासा पाड़ा जो बिजली लगाने को लेकर जो विवाद दो दिन से चल रहा है, आज प्रताप सरनाइक वहाँ पे आए थे कासी मीरा पुलिस स्टेशन में। एक तरफ उन्होंने बयान दिया है कि जो भी बोझा है उसे भर दिया जाएगा और वहाँ पर बिजली लगाया जाएगा। इसी प्रकार आज हमारे साथ में खेडूत हैं, आदिवासी क्षेत्र की महिला हैं और भाजपा के कुछ यहाँ पे नेता हैं। हम उनसे बात करेंगे आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा विषय और उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस विषय को लेकर। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने यहाँ पे समय दिया। आपकी न्यूज़ चैनल को, आपकी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर होड़ का राजकारण कभी होता ही नहीं। जो काम करते हैं उनको श्रेय लेने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती है। हाँ, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया है उनको श्रेय लेने की ज़रूरत पड़ती है। गत 15 साल से 2012 में मांडवीपाड़ा, डाचकुलपाड़ा, काजूपाड़ा, ये पूरा परिसर जो लोग लाइट मांगने के लिए जो घूम रहे ना, उन्होंने बर्बाद करके वहाँ पे पूरा अंधेरा कर दिया था। आज वहाँ पे जो लाइट मांग रहे वो पूरा परिसर में लाइट, टोटल प्रोसीजर मैं नगर सेवक था, यहाँ पे 10,000 लोगों का मोर्चा निकाला गया। मोर्चा महापालिका NOC नहीं दे रही थी, वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट किया, टाटा को यहाँ पे लाया और पूरा परिसर में यहाँ के काशीमेरा परिसर 90% लोगों को लाइट अगर किसने दिए तो हमने दिए और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनको लाइट मिली हुई है। अभी बचा सिर्फ एक माचा का पड़ा, वहाँ पे आदिवासी लोगों के यहाँ पे डिस्प्यूट है उनके ज़मीनों में, जहाँ पे ये लोगों ने भरनी करके वहाँ पे बोझा चढ़ाया है। उनके घर में बार बार आदिवासियों के तहसीलदार नोटिस निकाल रहे, उनका इतनी मांग थी कि उनका बोझा क्लियर करो। उसमें से जो आधा पार्ट है 4 एकड़, उन्होंने बेचारे लोगों ने बोझा क्लियर किया, बल्कि माशा कपाड़े के और मीनाताई के इधर का जगह है, वो यादव कंपाउंड है, वहाँ पे भी वो लोगों ने क्लियर किया। मांडवीपाड़ा ये पूरा परिसर में सभी लोगों ने अपना मैटर खेडूत और ये लोगों ने मिलकर क्लियर किया और सभी को लाइट लग गई। सिर्फ यहाँ पे कुछ मतलब बोझा क्लियर नहीं करना है, मतलब दादागिरी करके वहाँ पे आदिवासी का घर जब्त होएगा चलेगा, वो बर्बाद होंगे चलेगे, लेकिन बल्कि हमारी मांगे पूरे करो। शिवसेना के नाम पे राजकारण करने का काम चल रहा है जो कि 15 साल में इन्होंने कुछ काम नहीं किया। इलेक्शन आया सर पे, अभी कुछ तो दुकान लगाना पड़ेगा, ये दुकान लगाने का प्रयास है। हमने बार बार विनंती की, कल भी मैंने समझाया वहाँ पे, उनका जो बोझा है 50 लाख रुपये एक के बोझा है और एक का 13 लाख बचा है, 1 करोड़ 24 लाख रुपये, 1 करोड़ 7 लाख रुपये का बोझा, वो भी हमने क्लियर किया है वहाँ के लोगों ने, खेडूत लोगों ने और उनके व्यवसाय ने। 1-4 एकड़ का बोझा क्लियर हो गया है, वहाँ पे 8 मीटर लगने जा रहे, अभी इनको मालूम पड़ गया वहाँ पे मीटर लग रहे तो कम से कम हमारा दुकान कैसा चलेगा। उसके लिए वहाँ पे लोगों को पैसा मत भरो, बोझा मत भरो करके चढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे चढ़ाने का भी काम, आग लगाने का भी काम यही कर रहे हैं और वहाँ पे उसको आग लगा के, आग लग गया दूसरे ने लगाया बोल के चिल्लाने का काम कर रही, वो बंद करो उसका। खेडूत और ये लोग के साथ में मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट किया, उनको समझाओ, आपस में वाद विवाद मत करो, भाईचारा से पूरा गांव रहता है यहाँ पे, जातिवाद का वाद विवाद लगा के खोटा राजकरण करने का प्रयास कोई ना करे, डायरेक्ट चालू कर दो ना। और एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस तरह से ये पुलिस स्टेशन में ये सब कुछ हो रहा है, मतलब ये सब विषय है ना, ये विषय सब मुझे लगता है अगर वो आदिवासी बंधु और जो लोग है वो लोग बैठ के अगर ये विषय सॉल्व करते तो उधर के उधर विषय होता है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन का जो दबाव लोगों के ऊपर है, खास करके आदिवासी समाज और सभी लोगों के ऊपर जो दबाव आ रहा है वो दबाव नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलता हूँ, अगर सब चीज़ अगर इधर से होते तो माचाचा पड़ा 100-150 साल 3 पीढ़ी में इधर रह रहा है, उधर अभी तक पानी का लाइन नहीं गया है, पानी का कनेक्शन नहीं है, तो रास्ता नहीं है। तो मुझे बोलो वो भी विषय अगर इधर से होना चाहिए तो इधर हो। तो मेरा एक ही कहना है कि अगर सर्व पार्टी के समिति एक बनाएंगे ना तो ये विषय आसानी से निकल सकता है और ये किसका दबाव के इसमें ये विषय नहीं होना चाहिए, इतना है हमारा कहना है। लोकल लेवल पर ये विषय बड़ा मुद्दा ये है कि जिस तरह से पुलिस स्टेशन में सब कुछ हो रहा है, मतलब ये सब विषय है ना, ये विषय सब मुझे लगता है अगर वो आदिवासी बंधु और जो लोग है वो लोग बैठ के अगर ये विषय सॉल्व करते तो उधर के उधर विषय होता है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन का जो दबाव लोगों के ऊपर है, खास करके आदिवासी समाज और सभी लोगों के ऊपर जो दबाव आ रहा है वो दबाव नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलता हूँ, अगर सब चीज़ अगर इधर से होते तो माचाचा पड़ा 100-150 साल 3 पीढ़ी में इधर रह रहा है, उधर अभी तक पानी का लाइन नहीं गया है, पानी का कनेक्शन नहीं है, तो रास्ता नहीं है। तो मुझे बोलो वो भी विषय अगर इधर से होना चाहिए तो इधर हो। तो मेरा एक ही कहना है कि अगर सर्व पार्टी के समिति एक बनाएंगे ना तो ये विषय आसानी से निकल सकता है और ये किसका दबाव के इसमें ये विषय नहीं होना चाहिए, इतना हमारा कहना है। लोकल लेवल पर ये विषय सॉल्व होना चाहिए। ये मानना है कि हम सब का बोझा है 12-13 लाखाचा, तो पहला भरा त्याच्यानंतर आम्ही तुम्हाला लाईट देऊ की आम्हाला काही त्रास नाही। पहिला हे बोझा संपा, बोझा क्लिअर झाल्याशिवाय आम्ही कुठलंही काम करून देणार नाही। ने लगा दे रहा है कि उधर दोनों 7-12 पे जो बोझा है वो क्लियर करो, हम लोग 3 महीने से चिल्ला रहे हो कि तो पहले बोझा क्लियर करो।
जो 7 एकड़ पे 50 लाख का बोझा है और 4 एकड़ पे 13 लाख का जो बोझा है वो क्लियर करो, उसके बाद में हम लोग बिजली लगाने देंगे। कोई नहीं भड़का रहा है यहाँ, एकदम नॉर्मल है। इनके जो जगह है 7 एकड़ में 50 लाख के आसपास में और 4 एकड़ में कुछ 12-13 लाख रुपये के आसपास में बोझा है, तो इन लोग भी, ये लोग भी नागरिक है और जो रहते हैं वो भी आदमी ही है, तो इन लोगों को पानी देने का या लाइट देने का कोई इशू नहीं है इन लोगों के, नहीं देने का करके विरोध नहीं है। इन लोगों का कहना इतना है कि अगर एक बार लाइट निकल उनको दे देंगे ना तो फिर उधर बोझा कोई भरेगा नहीं। अभी पहले वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग पैसा निकालते हैं बोझा भरते, पर अभी क्या हो रहा है उधर राजनीति हो रहा है, कोई आके उनको भड़का रहा है, कोई इधर नेते लोग बहुत है, मैं पहले से बोल रहा हूँ कश्मीर प्रभक्त चौथे में बहुत नेते, कोई आके उनको भड़का रहा है कि तुम काय को पैसा भर रहे, पैसा मत भरो तुमको लाइट में ला के देता हूँ। तो जो बेचारे लोग है वो क्या कर रहे हैं, उन लोग कोई भी सोच रहा ना कि मेरा पैसा बच रहा है और मेरे को फुकट में लाइट मिल रहा है, तो वो लोग उसको सपोर्ट कर रहे। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि इनके जगह पर जो बोझे चढ़े हुए हैं वो बोझे क्लियर करो और उनको लाइट ले लो, बाकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लाइट भरने का जो बोझा क्लियर करो मतलब ये भी फ्री हो जाएंगे और लाइट मिल जाएगा तो वो भी फ्री हो जाएंगे। इसमें राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है, फालतू का राजनीति चल रहा है, बाकी कुछ नहीं।